हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है अर्थेश कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया की मदरलाइन यानी कि बॉलीवुड हेल्पलाइन। कच्चा बादाम, ये सब सुनते ही आपके मन में जिस शख्स का चेहरा आता है, मैं उसी शख्स की बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, अंजलि अरोरा, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी इंस्टाग्राम रील्स बना के, जो उन्हें म्यूजिक वीडियो तक लेके गया और म्यूजिक वीडियो से वो पहुंची लॉकअप शो तक, जहां पे लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और वो बहुत बड़ी स्टार बन गए। इतना सब करते करते, म्यूजिक वीडियो करते करते, उन्होंने अपने करियर में बहुत सारी सुर्खियां बटोरी। रिसेंटली अभी जब मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 जीते, तब आयशा खान ने उन पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया था कि मुनव्वर फारूकी और अंजलि अरोरा एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जो कि फिर उनको कॉन्ट्रोवर्सी में डालने वाली बात हो गई थी। इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सी में पड़ने के बाद, सब चीज़ होने के बाद, आखिरकार अंजलि अरोरा अपने करियर का सबसे बड़ा कदम जो कि है बड़े पर्दे पर डेब्यू करना, उधर पहुंच चुके हैं। वो अभिषेक सिंह की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म श्री रामायण कथा में माँ सीता के अवतार में दिखने वाले हैं। इस खबर के बाहर आते ही लोगों में मानो हड़कंप मच चुका है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोगों ने चाहते ही नहीं है सीता माता के अवतार में देखना। लोग ये तक कह रहे हैं कि अगर अंजलि अरोरा ये रोल करती हैं तो सीता माँ का अपमान होगा। बहुत बड़े बड़े कमेंट आए ये कहते हुए, जैसे कि अगर उन्हें बड़े पर्दे पर सीता माता के अवतार में देखा गया तो फिल्म इंडस्ट्री में आग तक लगाई जा चुकी है। वहीं पर कुछ लोग उन्हें कंपेयर कर रहे हैं साईं पल्लवी जी से, जो कि नीरज तिवारी की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म रामायण में माँ सीता का किरदार निभा रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि कैसे साई पल्लवी जी परफेक्ट है उस रोल के लिए और अंजलि अरोरा नहीं है, उन्हें वो नहीं करना चाहिए। इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सियल बातें होने के बाद, सब चीज़ों को पढ़ने के बाद, हालांकि अभी तक अंजलि अरोरा इस पर कुछ बोली नहीं है, पर अगर वो कुछ कहती हैं तो हम ज़रूर बताएंगे आपको यहाँ यानी बॉलीवुड हेल्पलाइन पे। तब तक आप अपनी राय रख सकते हैं कि आपको इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में, और साथ ही देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन।